नमस्कार दोस्तों कंट्रोल सिस्टम लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम रेजोनेंट पीक ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे दोस्तों कुछ वीडियो पहले हमने जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम है उसका डेरिवेशन किया था और उसका मैग्नीट्यूड प्लॉट्स भी हमने ड्रा किया था वही मैग्नीट्यूड प्लॉट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है तो रेजोनेंट पीक का कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों कि अगर आप सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में इनपुट फ्रीक्वेंसीज़ को राइज करना स्टार्ट करते हो इंक्रीज करना स्टार्ट करते हो तो दोस्तों एक पर्टिकुलर इनपुट फ्रीक्वेंसीज पे आप देखोगे कि आपके सिस्टम का जो आउटपुट है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स के साथ मिलना स्टार्ट हो जाता है तो दोस्तों वो फ्रीक्वेंसी जिस पे आपको आउटपुट रिस्पॉन्स मैक्सिमम मिले उस फ्रीक्वेंसी को तो हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड की एक्चुअल में जो वैल्यू है उसे कहते हैं दोस्तों हम रेजोनेंट पीक तो दोस्तों ग्राफ से ये क्लियर है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज के कोरोस्पॉडिंग हमें आउटपुट पे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिलेगा और वो जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है वही आपका रेजोनेंट पीक है जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं तो डेफिनेशन के लिए आप कह सकते हो द मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट पीक एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एम आर वेयर आर इज योर रेजोनेंट एंड एम इज योर एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड और पीक वैल्यू तो जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स था दोस्तों सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का उसमें हमने जो मैग्नीट्यूड है ट्रांसफर फंक्शन का वो हमने सक्सेसफुली ड्राइव किया था इस एक्सप्रेशंस के साथ और अगर आप एक्चुअल मैग्नीट्यूड चाहते हो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज तो दोस्तों ये हमारी नॉर्मलाइज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज हैं इसका एक्सप्रेशन भी हम लास्ट वीडियो में ड्राइव कर चुके हैं तो ये वैल्यू दोस्तों अगर आप इस मैग्नीट्यूड एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो फाइनली आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा और वही मैग्नीट्यूड आपका रेजोनेंट पी कहलाएगा तो दोस्तों ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन में यू है जो यू को आप यू आर इक्वल पुट करें क्योंकि वही वो फ्रीक्वेंसी है जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाएगी इसी के कोरस्पोंडिंग आपको मैग्नीट्यूड चेक करना है तो ये जो एम है दैट वुड बी इक्वल टू वन अपॉन अंडर द रूट यहां दोस्तों वन माइनस यू स्क्वायर यानी आपका जो यू है वो यू आर बन जाएगा नेचुरली अगर आप रेजोनेंट पीक की बात करेंगे तो यू आर का स्क्वायर यानी ये जो स्क्वायर रूट है ये कैंसिल होगा इसकी बजाय आप लिखोगे वन माइनस टू जीटा स्क्वेयर तो ये होगा दोस्तों आपका वन माइनस टू जीटा स्क्वेयर और ये आपका फाइनली होल स्क्वायर होगा अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे टू जीटा यू है तो टू का जो स्क्वायर है वो फोर होगा जीटा का स्क्वायर आपका जीटा स्क्यर होगा और यू स्क्र की बजाय आप फिर से यही एक्सप्रेशन लिखेंगे दैट इज वन माइनस टू जीटा स्क्वेयर क्योंकि यू आर का स्क्वायर आपका इस रूट को कैंसिल बना देगा तो ये होगा आपका फाइनली मैग्नीट्यूड अब आपको फाइनली ये मैग्नीट्यूड्स के एक्सप्रेशंस को सोल्व करना है और यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों दिस इज वन अपॉन अंडर द रूट ये देखो दोस्तों अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो वन माइनस वन ये जीरो हो जाएगा ये माइनस साइन इस माइनस के साथ पॉजिटिव साइन बनाएगा तो फाइनली यहां पे बन जाएगा आपका टू जीटा स्क्र होल स्क्वेयर ये बनेगा प्लस यहां देखते हैं दोस्तों फोर जीटा स्क्र इंटू वन फोर जीटा स्क्वेयर इंटू वन एज इट इज अब इसके बाद दोस्तों फोर जीटा स्क्वेयर मल्टीप्लाई विद माइनस टू जीटा स्क्वेयर तो ये बन जाएगा आपका माइनस एट जीटा रेज टू पावर फोर अब इसको फिर से एक बार सोल्व कर लेते हैं दोस्तों ये आपका अंडर द रूट में ही है टू जीटा स्क्वेयर होल स्क्वेयर आपका बनेगा दैट इज फोर जीटा रेज टू पावर फोर प्लस यहाँ फोर इन टू जीटा स्क्वेयर यहां आगे है दोस्तों एट इन जीटा रेज टू पावर फोर तो यहां पे देखो दोस्तों फोर जीटा की पावर फोर माइनस एट जीटा की पावर फोर तो ये बन जाएगा आपका ओवरऑल माइनस फोर जीटा रेज टू पावर फोर तो इसको फिर से एक बार एक्सप्रेशन में लिखें ये आपका बनेगा ये आपका एज इट इज फोर जीटा स्क्वेयर माइनस फोर जीटा रेज टू पावर फोर अब दोस्तों इसके बाद आप यहां फोर जीटा स्क्र कॉमन ले लें तो फिर देखें आपको क्या एक्सप्रेशन मिलेगा दिस इज अंडर द रूट फोर जीटा स्क्वेयर आपने कॉमन लिया तो यहां बचा वन और यहां आपका बचेगा दोस्तों, अब इसके बाद, finally जो आपका मैग्निट्यूड है फोर जीटा स्क्वेयर अब अगर दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लीकेशन में है और दोनों का रूट है तो दोस्तों रूट आपका इंडिविजुअल सेपरेट हो जाएगा तो फोर जीटा स्क्वेयर का रूट मल्टीप्लाई विद वन माइनस जीटा स्क्वेयर अंडर दी रूट होगा और फोर जीटा स्क्र का जो रूट होगा वो होगा दोस्तों टू इंटू जीटा तो ये जो टू इंटू जीटा है ये बाहर आ गया अंडर द रूट आपका ये एक्सप्रेशन है एज इट इज तो इस तरीके से दोस्तों ये है आपका मैग्नीट्यूड एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज पे जो मैग्नीट्यूड आएगा वो दोस्तों होगा आपका एम ऑफ आर यानी रेजोनेंट पीक यही वो वैल्यू है दोस्तों जो आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज़ पे आपको आउटपुट पे मिलेगी इसका मतलब ये जो आपका रेजोनेंट पीक है दैट वुड बी डेफिनेटली अ फंक्शन ऑफ जीटा और यहाँ से अगर आपका जीटा कम होगा तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और अगर आपका जीटा दोस्तों ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू कम होगी तो ये इनवर्स प्रोपोर्शंस के साथ रिलेशनशिप्स में रहेगा सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेजोनेट पीक एंड विद द डेरीवेशन ऑफ रेजोनेंट पीक तो दोस्तों आपको वन बाय वन कुछ भी पूछा जा सकता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस टाइप के जो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन हैं वो काफ़ी सारे पूछे जाते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम हमने स्टडी किया है उसका बैंडविथ जो एक्सप्रेशन होगा उसको इन डिटेल डिराइव करेंगे सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो